हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तोश की इतनी शानदार मिठाई। तो ये बिल्कुल शाही तोश है, ना मावे के बने हुए तोश है। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम आपको बताएंगे इन त्योहारों के सीज़न में ये मिठाई ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे हमने कुछ तोश ले लिए हैं, सिंपल तरीके के या फिर अच्छे वाले, दोनों किस्म के आप ले सकते हैं। और उसे हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिए हैं। ये इस तरीके से आपको दर दरा पीस लेना है। अब दूसरी तरफ हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें 2 से 3 टीस्पून घी ऐड कर देंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें 2 से 3 लौंग और इलायची डाल देना है, और जो ग्राइंड वाला तोस है उसे भी डाल के हम अच्छे से भूंज लेंगे, और इसको डार्क होने तक भूंज लेना है आपको। अब इसमें डाल देंगे 1 कप शुगर। फिर मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें दूध ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये जब जब फूलता जाएगा तो और दूध मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे। अब इसे ढक के रख देना है। और दूसरी तरफ हमने ले लिए हैं मलाई। तो यहाँ पे 1/2 कप हमें फुल क्रीम मलाई ले लेना है। यह देखिए, हमने एक पॉट ले लिया है, उसमें बटर पेपर या इस तरीके का कोई भी पेपर आप लगा सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छे से घी छोड़ चुका है हमारा तोस वाला मिक्स। तो अब इसे इस तरीके से हम पेपर में, फॉइल पेपर में डाल देंगे, और चम्मच से या हाथों से हम इसको बिल्कुल जमा देंगे, और इसके ऊपर डाल देंगे मलाई की परत। और अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप दूध पाउडर को पानी में ऐड करके इस तरीके से डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मलाई की परत हम इसमें डाल देंगे। अभी ये मिक्स काफ़ी गर्म है, इस वजह से मलाई पिघल रही है, और पूरे में मलाई फैला देंगे। मलाई फैलाने के बाद हमने कुछ ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे वो ऊपर से गार्निश कर देंगे। आप चाहे तो थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। अब इसे 5 मिनट के लिए हम फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब देखिए, फ्रीज हो चुका है, तो इसे निकाल लेंगे और बटर पेपर भी अलग कर देंगे, और छुरी से मनचाहे आकार में इसके पीसेस बना लेंगे। तो आप, और इसमें हम सर्व कर देंगे। तो आपको ये बिल्कुल नई तरीके की मिठाई कैसी लगी? बहुत ही सॉफ्ट ही और बहुत ही नरम बन के तैयार हुई है। बिल्कुल ये अलग है, और बिल्कुल ये मावे वाला टेस्ट आपको देगी। इसमें मावा नहीं डला है, फिर भी मावे वाला टेस्ट देने वाली है। तो इस त्यौहार ये मिठाई ज़रूर ट्राई करें। और हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और बहुत ही कम खर्चे के साथ ये मिठाई बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।